अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, इंशाल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों के वो ज़रूर काम आएगी। मैं हमेशा वही टॉपिक चुनता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। जितने भी हमारे नए शौकीन, नए ब्रीडर भाई होते हैं जो अपने जोड़ों को जो है वो अंडों पर लगाना चाहते हैं, उनसे ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, उनको जितनी भी मुश्किलात पेश आती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो आज की हमारी वीडियो है कि नर मादा जो है वो मेटिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो आपस में जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन मादी जो है वो अंडे नहीं दे रही, अंडों पर नहीं आ रही। उसकी क्या वजूहात हैं? इसकी जो है ना दोस्तों चंद मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम सबसे पहली वजह की बात करें तो दोस्तों, अंडे देने के लिए सबसे पहले मादी की उम्र जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। अभी जो मेरे हाथ में मादी है, माशाल्लाह से 10 पर पाक है, ठीक है, 10 पर अपने पूरे कर चुके हैं। 10 पर का मतलब ये 6 महीने से ऊपर की मादा है, 7 से 8 महीने की ये मादा है, ठीक है। तो 7 से 8 महीने की मादा अगर आप लोगों की होगी तभी वो अंडों पर आएगी। आप अक्सर देखेंगे, अक्सर देखने में आता है कि मादी जो है ना वो 4 से 5 महीने की होती है, ठीक है, 4 महीने की, 4.5 महीने की, लेकिन नर से जो है ना वो क्रॉस करना शुरू हो जाती है, हीट पर आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो कभी भी जो है ना अंडे नहीं देगी। और अगर मिसाल के तौर पे मादी जो है वो 5 या 5.5 महीने की और उसने अंडे दे भी दिए, तो अक्सर देखने में आता है कि वो या तो कमज़ोर अंडे देगी, ठीक है, या फिर जो है ना उसको एग बाइंडिंग का इशू हो जाएगा। एग बाइंडिंग क्या, कि यहाँ पर जो है ना उसके वेंट में अंडा फंस जाएगा, ठीक है। फिर वो मादी जो है ना कभी कभार तो आप जो है वो किसी कोशिश करके किसी तरह से वो अंडा निकाल भी देते हैं, और अगर आप वो अंडा नहीं निकाल पाए ना तो एग बाइंडिंग की वजह से मादी जो है वो खाना पीना भी छोड़ देती है और अक्सर उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितने भी पेयर आप लोग लगाएं तो मादी की उम्र कम से कम भी जो है ना वो 6 महीने या उससे ऊपर हो। 7 महीने 8 महीने की मादा आप लगाएं तो वो आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और आप लोगों को जो परेशानी आ रही है कि वो अंडे नहीं दे रही, ठीक है, मादा, ये भी आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात करी कि मादा की उम्र 6 महीने से ऊपर होने चाहिए, तभी वो आपके घर में जो है वो अंडे देगी। दूसरी गलती, हमारे जो भी दोस्त जोड़ा लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जोड़ा भी मेटिंग करना शुरू हुआ है, ठीक है, उसने अपनी जो है ना जगह पकड़नी शुरू करी है केज में, जो है ना एक उसने अपनी जगह बनाई है जहाँ पर मादी जो है वो अंडे देगी। तो हमारे दोस्त क्या करते हैं कि बार बार जो है ना वो जाकर मादी जो है उस जगह पर बैठ रही है, जाकर उसको जो है ना मादी को उठा उठा के चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसने अंडे दिए नहीं दिए, या नर बैठा हुआ है उसको जो है उठा के चेक कर रहे हैं। तो भाई, जब आप देखें कि नर मादी मेटिंग कर रहे हैं किसी जगह पर, जो है वो जाकर बैठ रहे हैं पिंजरे के अंदर, जो भी आपने उन लोगों को बॉक्स वगैरह दिया है अगर उसमें जाकर बैठ रहे हैं, तो उसको जो है ना आप जोड़े को थोड़े दिनों के लिए अकेला छोड़ दें, उसको बार बार जाकर तंग मत करें। अगर आप उसको बार बार जाकर तंग करेंगे ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि मादी जो है ना वो फिर नाराज़ हो जाते हैं, भाई ये भी बुरा मान जाते हैं, ठीक है, ये भी जो है डरते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे कि बार बार जो है हम इस जगह पे तंग किया जा रहा है, बार बार आके जो है ये चेक कर रहे हैं, तो फिर जो है ना मादी अंडे करने में देर लगाएगी, मादी फिर उस जगह पे अंडे नहीं देगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात, जिस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये है कि हमारे जो उड़ने वाले होते हैं, अब मेरे पास ये उड़ने वाला सेटअप है, ठीक है, इनका दाना और ये ब्रीडिंग सेटअप है। ब्रीडिंग सेटअप का दाना मुख्तलिफ होता है, ठीक है, जो हमारे ब्रीडिंग सेटअप ब्रीडिंग करने वाले जोड़े होते हैं उसको हम जो है दाना बराबर देते हैं, ठीक है, दाना इनका खींच के नहीं देते। अगर आप अपने जोड़े को, ब्रीडिंग करने वाले जोड़े को कम दाना देंगे ना, तो भी मादा याद रखिए कि जो है ना वो अंडे नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि ये परिंदा है, लेकिन समझदारी इसमें भी है। ये अपना घोंसला वगैरह वहाँ पर बनाते हैं, अंडे वहाँ पर देते हैं जहाँ पर इनको पानी मैसर होता है, ठीक है, जहाँ पर इनको दाना अवेलेबल होता है, दाना मैसर होता है। तो अगर इनको जो है वो दाने की कमी महसूस होगी, तो अक्सर ऐसा देखने में आया है कि मादी वहाँ पर भी जो है ना वो अंडे देने में देर करती है, अंडे नहीं देती। जब इनको ये फील होता है कि हाँ यहाँ पर हमें दाना जो है वो सही मिल रहा है, हमारे जो है वो बैठने की जगह जो है सही है, हमें यहाँ पर कोई तंग नहीं कर रहा, तो फिर आपका जोड़ा जो है ना वो बहुत जल्दी ब्रीड करता है और मादी जो है ना वो जल्दी अंडे देती है, ठीक है। ये दोस्तों दी तीसरी वजह, सही है। एक आपकी हो गई कि आपने जो है वो दाना इनका बराबर रखना है, ठीक है, दूसरा आपने इनको छेड़ना नहीं है, तीसरा आपने जो है ना वो मादी की एज पूरी होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गई तीन बातें। अच्छा, चौथी बात की बात करते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों की सही है, मादी भी जो है वो अपनी कंडीशन में जो है सही है, इसकी उम्र पूरी है,
ठीक है, आप इसको तंग भी नहीं कर रहे, आपने जो इनकी जगह है ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह जो भी आपने पेटी रखी है अगर आप वहाँ पे इनको तंग नहीं कर रहे, इनको वहाँ पर नेस्टिंग वगैरह सब आपने प्रोवाइड की भी है तो दोस्त, और फिर भी मादी जो है वो अंडे नहीं दे रही, तो दोस्तों फिर आप एक काम करें कि 2 महीना 2.5 महीना देखने के बाद, थोड़ा वेट करने के बाद अपने जो है ना नर को चेंज कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है ना वो मादी के पीछे लगे हुए होते हैं कि भाई मादी अंडे नहीं दे रही, मादी में कोई ना कोई मसला है, मादी को कैल्शियम की कमी है, मादी को कैल्शियम खिला रहे हैं, लेकिन मसला कहाँ होता है, नर में। तो भाई आप जो है ना एक काम करें कि उसका नर चेंज कर दें, ठीक है। जैसे ही आप नर चेंज करेंगे ना 15-20 दिन में जोड़ा खा के और मादी जो है ना वो अंडों पर आ जाएगी। ये आप सारी चीज़ें जो है ना जो मैंने आप लोगों को बताई इन पॉइंट्स पे आप लोग जो है वो गौर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।